भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत इन दिनों राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज राजस्थान राज्य के दौरे पर हैं। इस यात्रा के अंतर्गत 22 मई को स्वामी जी पहुंचे जयपुर जिले के कोटपूतली। यहां के मंच पर बालिकाओं ने तिलक कर स्वामी जी का स्वागत किया। गणमान्य व्यक्तियों ने मंच पर दीप प्रज्वलन किया व स्वामी जी को स्मृति चिन्ह व फूलमाला पहनाकर और साथ में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को बताया कि कैसे विदेशों में जमा काला धन आएगा और जब वो आ जाएगा तो उससे कैसे हमारा देश खुशहाल बनेगा। सन्यासी का एक मकसद होता है, वहां एक परिवार को यद्यपि छोड़ देता है, एक माता पिता से यद्यपि वो अलग हो जाता है, लेकिन वह पूरे संसार को अपना परिवार मान करके उनके सुख दुख में उनका हम सफर होता है और उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है। जैसे परिवार में बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुशहाल रहें, ऐसे ही मैं सोचता हूं कि मेरे देश के सभी लोग स्वस्थ रहें, कोई रोगी ना हो। और रोग बड़ा दुख देता है, सिर में दर्द हो जाए ना फिर आदमी से बैठे होने रह जाए, बहुत कष्ट होता है। किसी का खांसी भी हो जाए ना तो फिर परेशान कर दे, बुखार हो जाए तो फिर जब तक उतरे नहीं ना तब तक चैन नहीं पड़े, और उल्टी दस्त लग जाए तो भी कितनों कष्ट हो। गोड्डा दुख है ना तो 24 घंटा गोड्डा में ही ध्यान रहे। कोई भी शरीर में कष्ट हो जाए तो बहुत दुख देता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और योग विद्या एक ऐसी विद्या है, जिसने योग को सीख लिया ना वो जिंदगी में रोगी तो नहीं रह सकता, ये बात 100% सच्ची और पक्की है। मेरी जिंदगी का मकसद बना लिया मैंने, कहा मुझे तो देश के लिए जीना। और जैसे एक मैंने कहा मां बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे खुशी रहे, तो 121 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए जीना है और उनको खुशहाली देनी, यही एक जिंदगी का मकसद बना लिया, इसके लिए जीता। लेकिन कभी कभी आप भी तो साथ दोगे ना इस काम में, तो 3 जून को दिल्ली कितने आने के लिए तैयार हैं कोटपुतली वाला? और इससे जुड़े रहने के लिए एक नंबर लिख लो कि आपको अब बहुत अलग अलग डायरेक्शन देने पड़ेंगे, अलग अलग एक्शन भी करना पड़ेगा, ये तो बड़ा जबरदस्त मामला है ना, तो अपने अपने वो निकाल लो फोन, और नहीं तो लिख लो नंबर, लिख लो और फिर डायल कर दियो, एक बार घंटी जाएगी मिस कॉल, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, रजिस्टर्ड क्रांतिकारी। तो लिख लो क्या है 022, फिर इसमें आपको मैसेज मिलते रहेंगे जैसे क्रुशियल टाइम चलेगा ना, जब जरूरत होगी। 022 3 08 11 08 11 22, सीधा सा नंबर है, पहले 2-2 है, बाद में 3-3 है, बाद में 08, फिर 2 बार 11 12। घंटी गई और घंटी जाके क्या आयो, फिर घंटी जाने के बाद 0 तो समझो ना, 02 02 22 33 08 11 11 और 22 लास्ट में। अब तो समझ में आ गई बात? हाँ, बस एक बार ग्रीन वाला बटन दबाओ, घंटी जाएगी, फिर अपने आप वो टू टू करके बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा, मैसेज आ गया ना, आ जाएगा सब। तो ये काम हो गया, सुनो। अच्छा भाई, यदि अब इतना बड़ा काम है इसमें सबको लगना पड़ेगा, तो सब इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करो। मेरा यदि आपका रिश्ता खून का रिश्ता होता तब भी तो करता, बोले भाई अब तो भाई कर रहे, करना ही पड़ेगा। तो आपका और हमारा चाहे खून का रिश्ता नहीं है, और खून का भी है ही, खून और खून का खानदान का, ऋषियों का खानदान है, अपना भगवान का खानदान है, और सबसे बड़ा रिश्ता होता है आत्मा का रिश्ता। और परमात्मा भी प्रसन्न है, आकाश से इंद्रदेव पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अभिनंदन है, भगवान भी राजी हो गया है। पहले यूं कहते थे ना, जब देवताओं ने तप किया, यज्ञ किया और इंद्रदेव प्रसन्न हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, तो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, भगवान भी अपने साथ से। बोले भारत माता की। तो सुनो,
इस काम में आपको लगे रहना है और इस काम को आगे बढ़ाना है और इस देश को स्वर्ग बनाना है। सुबह उठ करके क्या करना है सबको, सुबह सुबह के करनों से बोलो योग। अब तो बैठो, अब तो एकदम ऐसे लग रहा जैसे कूलर सा चल गया हो, हैं? यो चांदनी में छण छण के आ रहो से पानी, है ना, खूब आनंद आ रहा है। तो चलो एक भजन बोलते हैं। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से अमृत बरस रहा है ना, हो बरसेगा नित बरसेगा, हो बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, तुम कर योग अभ्यास जीवन सुधरे। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का पीले बन कर किस्मत वाला, हो पीले बन कर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो चलो ये देश के बारे में थोड़ा आपको बताया, ये काला धन कितना बताया मैंने बोलो, अब थोड़ा आपकी टेस्टिंग लेता हूं, कितना है ये काला धन, 400 लाख करोड़, ये देश विदेश में जमा है। इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा जमा है सोना में, सोना देश में है करीब 1 लाख टन, कितना है, अरे जोर से तो बोलो। और 1 किलो सोना को भाव कैसे है, 30,000 था ना, किलो खरीदो को न बाबा, कभी हमने 1 तोड़ो खरीदे हो 30,000 में आए तो हमने तो 1 तोड़ो 1 किला का बराबर लग गए 30 लाख के करीब से, कितनों, तो ये 1 लाख टन सोना को पैसा कितना हो गया, 300 लाख करोड़, कितना, तो ये बेईमान सोना दबा के बैठे, बोले पापा यो इतनों कठे दबा के बैठ गया, तो हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं, बेईमान लोगों ने लूट लिया ये तो, फिर बाहर जमा है, भीतर रियल स्टेट में, माइनिंग में और तमाम तरह के, और राजनीति में, राजनीति में काला धन होता है तो उससे पहले वोट खरीदते हैं, फिर MLA MP खरीदे जाते हैं, बहुत बड़ा कुचक्र चलता है, फिर वो काले धन से ये नक्सलवादी आतंकवादी माओवादी हथियार खरीदते हैं, फिर अपने को मारते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार चुके हैं आज़ादी के बाद। तो ये काला धन जब काला बाजारी में होता है तो इससे महंगाई बढ़ती है, ये काला धन वापस आ जाएगा तो 50% सारी चीज़ों का रेट कम हो जाएगा, अपने डीजल पेट्रोल आधे दाम में मिलेगा, गैस भी आधे दाम में मिलेगी, हर चीज लगभग साइकिल से लेके मोटरसाइकिल तक टैक्स खत्म हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है, सब समझो। अब महंगाई खत्म करनी है तो क्या लाना पड़ेगा, बोलो काला धन वापस, जोर से बोलो, महंगाई खत्म करनी है तो क्या लाना पड़ेगा, काला धन। और किसानों को खुशहाली चाहिए तो क्या लाना पड़ेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए तो क्या लाना पड़ेगा, काला धन। और इन जवानों को रोजगार चाहिए तो पहले तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई होगी तो फिर नौकरी नहीं, और नौकरी नहीं तो फिर छोकरी भी नहीं, बोले बेरोजगार घूमे से छोड़िए, इसके साथ व्याधि तो दुखी होगी। तो ये सबकी समस्या का समाधान, जवानों को नौकरी चाहिए तो क्या आना चाहिए, बोलो काला धन वापस आना चाहिए। तो बोलो यो काम करना सही कि नहीं, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है जिससे सारे हिंदुस्तान का भला होता हो, सारे हिंदुस्तान में खुशहाली आती हो, तो यो ही काम मिलके कर लूं सर। कोटपुतली वासियों को काले धन का सच बता स्वामी जी जल्द ही अगले पड़ाव की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले पनियाल और सांग टेढ़ा वासियों ने स्वामी जी के काफिले को रोक उनका माल्यार्पण व तिलक एवं आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, देखो भाई अब हमारे सामने दो रास्ता है, या तो हिंदुस्तान खुशहाल हो या बदहाल हो, बदहाल तो हो रखे इससे बुरा तो होगा नहीं, और यदि ये 400 लाख करोड़ आएगी तो चारों तरफ खुशहाली आ सकती है, जवानों के जीवन में, किसानों के जीवन में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं, 2-4 लाख रुपए की चोरी हो जाए तो गांव में शोर मच जाए, 2-4 करोड़ की चोरी हो जाए तो देश में रुका पड़ जाए, ये तो पूरा देश भेज दिया इन बेईमानों ने, अब इनको ठिकाना लगाना पड़ेगा, हम साथ दिए न देख लेंगे, ठीक है। देखो
एक तो अपना जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा, भाई अपने कुल वंश खानदान पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बोलो ये बात कही है ना सबने, तो अपना जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, अपने देश में खुशहाली होनी चाहिए कि बदहाली? खुशहाली होनी चाहिए। खेतों में खुशहाली हो, बच्चों के जीवन में खुशहाली हो, जवानों के जीवन में खुशहाली हो। और इसके लिए चाहिए एक बहुत अच्छा देश, चारों तरफ खेतों में पानी की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, जो बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए उनके नौकरी की व्यवस्था हो। और ऐसा भारत कराने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा लूट के बैठ का बेईमान, यो ही है काड़ो धन, जो 400 लाख करोड़ है। बोलो यहाँ चाहिए कि नहीं? सांग टेढ़ा वासियों को आशीर्वाद दे, स्वामी जी पहुँचे अलवर जिले के बानसूर, जहाँ हजारों लोग स्वामी जी के भारत स्वाभिमान अभियान में शामिल होने पहुँचे। छतों से लेकर सड़कें भरी पड़ी थी। मंच पर लोगों ने स्वामी जी को पगड़ी पहनाकर व शॉल भेंट की एवं माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्र प्रेमी स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में काले धन की आर्थिक व्यवस्था से लोगों को अवगत कराया एवं योग की दीक्षा के साथ साथ घरेलू उपचारों के बारे में बताया। जैसे बानसूर में जोश जुनून, जो बानसूर छोटू खुशबू है, तहसील है ना, गांव जग गया है, पूरा हिंदुस्तान जग गया, अब हिंदू और मुसलमान जग गया, हम सब मिलकर के खुद को भी बचाएंगे और देश को भी बचाएंगे। ये काम करना, देखो भाई, खुद को बचाना है योग के रास्ते पर चल करके, धर्म के, अध्यात्म के, सच्चाई के रास्ते पर चल करके, मेहनत कर करके, ईमानदारी से काम करके। योग करने वाला मरता नहीं, वो मृत्युंजय हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और यही सबसे बड़ी बात है। फिर पापा बोलो, तू कहीं दरिया मरा दो, यो ही तो समझ में नहीं आ रहे हो सरकार ने, क्यों बापू मरोगे कैसे? इन्हें मारने की कोशिश की पिछले दिनों 4 जून को। अरे मैं क्या कहूं सु भाई, मैं तो ये कहूं, मैं 400 लाख करोड़ रुपए वो दे दो, भ्रष्टाचार मिटा दो, काला धन दिला दो, भ्रष्टाचार मिटा दो भाई। जो धरती के अंदर भू संपदा है ना, लूट रहा 20,000 लाख करोड़ की, सही कितना की? 20,000 लाख करोड़ की ये थारी है, पूरे देश की है। जैसे थारो खेत में थारो ही है ना, उस पर कोई दूसरा कब्जो करने दोगा? बड़ा पापा टांग काट दे। अच्छा बताओ, सैनिक का काम क्या है? सैनिक ड्यूटी देते हैं ना देश में, सैनिक का काम क्या है? देश को सुरक्षा देना। अध्यापक को काम कैसा है? पढ़ाना, ठीक है। डॉक्टर को काम कैसा है? बीमारों को इलाज करना। और ये सरकार जो ऊपर बैठी, इसको काम कैसा है? है केंद्र सरकार को काम से कालो धन दिलाना, भ्रष्टाचार मिटाना, देश को न्याय दिलाना, किसानों को पानी मिल जाए, जवानों को, बच्चों को जो है अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए, और जो बेरोजगार है इनको रोजगार मिल जाए, जो भूमिहीन है, साथ इन्हें है, दलित है, गरीब है, इनको सबको खुशहाली मिल जाए। यही काम है ना सरकार का, ये तो करती नहीं। ये 400 लाख करोड़ पे आ जाएगा तो हिंदुस्तान के सभी खेतों में हरियाली होगी, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। एक एक गांव में नहर बिछा दी है। काम वास्ता खाली 10 लाख करोड़ पे चाहिए। कितना? खाली कितना बोला? 10 लाख करोड़। थोड़ा सा मामला है तो इतनों को तो घोटाला कर दियो, पीछे कोयला को 200 लाख करोड़ को घोटाला था, उसमें रॉयल्टी को कारण तो 10,67,000 करोड़ को। कई रिपोर्ट सुनी जो ऊपर बैठ करके देश को लूट रहे हैं? ये देश हमारा भी है और हम इस देश को बचाएंगे, फिर हिंदुस्तान में कोई दुखी नहीं, सब कुछ। ये बात है बहुत बड़ी। ये सब बेईमानों के पास में पैसा जमा हो गया, ये वापस मिल जाएगा तो किसान, बच्चे, जवान, हिंदू, मुसलमान, दलित, वाल्मीकि, जो भी है भाई, सभी सुखी रहेंगे। तो बोलो, ये काला धन होना चाहिए कि नहीं? जो भ्रष्टाचार मिटना चाहिए कि नहीं? 3 जून को अब ये काम शुरू करना है, ठीक है। और फिर ये आंदोलन कब तक चलेगा?
जब तक ये सरकार भ्रष्टाचार की अपनी ड्यूटी नहीं करेगी, तो भाई जो ड्यूटी ना करे सैनिक, जो ड्यूटी ना करे अध्यापक, जो ड्यूटी ना करे डॉक्टर, तो क्या कर दे उसने, बर्खास्त सस्पेंड कर दे है ना। तो भाई 3 जून से यो काम शुरू होगो और फिर आगे बढ़ेगा, और ये आंदोलन जब तक चलेगा या तो ये सरकार करेगी और नहीं तो गिरेगी। बोले काम होना चाहिए कि नहीं? तो कितने लोग इसमें मेरे साथ हैं? सबके सब, वाला ने भी हाथ उठाया भाई, ये भी जोरदार है, हम नीचे वाला भी, जरा हाथ उठा करके एक बार फिर से बताएंगे कितने लोग इस आंदोलन में साथ देंगे। सारे बोले भारत माता की, तिरंगा वाली की, भारत माता की। लड़ाई की बात होगी, अब घर की बात करूंगा। सुबह जल्दी उठा करो, सुबह क्या करना है, जल्दी उठना है और सुबह उठ के पानी पिया करो। सुबह उठ के क्या पीनो सा, और पानी ऐसे ऊपर बैठ के पिया करो ऐसे। कोरोना में दर्द का वास्ते बहुत बढ़िया चीज होती है ग्वार पाठो। के बोले उन्हें अंग्रेजी में बोले ना एलोवेरा, और यो इतना महंगा हो गयो पूरी दुनिया में, हम यू सोचे तो बेकार सो है नहीं। इसमें जोड़ों का दर्द, इससे एसिडिटी, इससे चमड़ी की सारी बीमारी, इससे महावारी की बीमारी, कमजोरी, इनकी दवाई है ग्वार पट्टा। तो जिनके भी जोड़ दुख है वो क्या पीना सुबह सुबह ग्वार पट्टा। ग्वार पट्टा में जो पीला पीला रस होता है ना वो मत लिया करो, उससे फिर उल्टी जैसी होती है, बकबकी सी आती है। तो क्या किया करो, ग्वार पट्टे का पत्ता लिया और उसको नीचे से काट दो, सांझ को रख दो तो उसमें पीड़ो पीड़ो नीचे आ जाएगा, फिर उसको काट के फिर गुद्दो निकाल कर खा लिया करो। तो जोड़ों के दर्द वास्ते गांव में बहुत बीमारियां होने लगी, योग करोगे तो कोई बीमारी होगी नहीं, 100 साल तक एकदम निश्चिंत जीओगे और बूढ़ा भी नहीं होगा। सुन लो, बुढ़ापा नहीं आएगा, एकदम टनाटन रहोगे, कमर दर्द होगा। तो कमर दर्द के ये पहले उंगली के पीछे से यहां जोर से दबाना और चंद्र प्रभावती और शिलाजीत की गोली मिल जाएगी, ठीक है, और ये पॉइंट दबा लेना। और वो वक्रासन भुजंगासन करवाते हैं ना कमर की एक्सरसाइज, वो किया करो, कमर में दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और गोड्डा में जोड़ा में कहीं भी दर्द होते तो हल्दी में चीज हो रही है, चंद्र प्रभावती योग रात गोबल और ये मोथा घास और ये सब बताया। फिर 3 तरह के तेल हम प्रयोग कराते हैं, वीरांतक तेल दर्दों के लिए, कायकल तेल चमड़ी की बीमारियों के लिए, और केश तेल सिर में लगाने के लिए जिनके बाल झड़ते हो। और ये 5 मिनट ये कर लिया करो, पीछे से नाखूनों के मंजीरे बजा दो, पीछे से बजा के देखो, नाखून से नाखून रगड़ो हथेली में नहीं ऐसे, इससे बाल झड़ना बंद हो जाता है। और लौकी का जूस और आंवले का रस पी लो, 7 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाओ, 7 दिन में, और झड़े हुए बाल आ जाएंगे। वो दिव्य केश तेल आश्रम का एक तेल है, वो लगा लेना। अच्छा एक और, गाँव में एक बीमारी बहुत होती है और उसके लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, और एक बार जिसको ये दाना निकलना बोलते हैं ना, दाना निकलना, मोती झारा, अंग्रेजी में इसने बोले टाइफाइड, जिसने छोरा ने बालक ने टाइफाइड हो जाए ना जिंदगी में फिर उभर नहीं सका, इसका इलाज सुन लो, बिल्कुल सस्तो और पक्को इलाज, खूब कला याद रहेगी ना, 1 से 2 ग्राम, 3 से 5 मुनक्का, छोटो बालक हो तो 3, बड़ो हो तो 5, 3 से 5 मुनक्का, 3 से 5 अंजीर, जानो हो ना दोनों चीज, मुनक्का जो दाख होती है उसमें बीज होता है, 3 से 5 मुनक्का और 3 से 5 अंजीर और 1 से 2 चुटकी, 1 से 2 ग्राम, क्या बोली थी शुरू में भूल गए, उपकला, ये चटनी बना के खिला दो 7 दिन तक, 3 दिन में मोती झारा टाइफाइड खत्म, भूख एकदम फर्स्ट क्लास लगेगी और मोती झारा फसल जिंदगी भर नहीं होगी, जो टाइफाइड की एकदम आपको 100% रामबाण दवाई बता दी है, सबने बता दी है। और ऊपर से दूध पियो या चीकू खाओ, कोई फल फ्रूट ले लो या मूंग की दाल की खिचड़ी खा लो, भारी खाना नहीं खाना, 3 से 7 दिन में एकदम मोती झारो सा, बढ़िया बढ़िया दवाई बता दी। बांसुर वासियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए मुंडावर की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले बेहल, रेणागिरी एवं शिवपुर गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक उनका भारत माता की जय घोष के साथ माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये काम हो गया ना, 400 लाख करोड़ रुपए मिल गया और भ्रष्टाचार मिट गया ना, फिर तुम दुखी नहीं रहोगे।
सारे के सारे ऐसे सुखी रहोगे जैसे विदेशों में टिप टॉप लोग देखो ना। तो अपनो काम खुद करियो, बाकी देश ने मिलजुल के बचा लेगा और अपने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना ले। ठीक से अपने आप को भी बनाना नंबर वन और देश को भी बनाना नंबर वन। भारत माता की वंदे मातरम। और 3 तारीख दिल्ली में कितना होगा? एक दिन वास्ते आना बाबा, तो रोज घूमे और हमने कहा एक दिन वास्ते, फिर बाद में देखांगा तो ठीक है ना। 0222-3081-122 उस पर मिस कॉल कर लियो तो उसमें आपको मैसेज मिलता रहेंगे कि आगे के क्या करना है। ठीक है, चलो राज्य रोज सब लोग भगवान राज्य। देश में बेईमान लोगों ने लूट लिया पूरा हिंदुस्तान, वो है 400 लाख करोड़। कितना? अरे जोर से तो बोलो। और ये पैसा यदि खेती में लग जाए, खेतों में पानी के लिए, बिजली के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, और ये पैसा बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए, फैक्ट्री आदि लगाने के लिए, ये सारा पैसा इसमें लग जाए तो देश में कोई दुखी रहेगा? तो हम इसी काम पे निकले कि देश में खुशहाली लाओ। अब हम क्यों करें इस बात में, वो क्यों नहीं करते? वो बड़े बड़े राजकुमार हैं, महलों में पैदा हुए, लाखों करोड़ अरबों की दौलत में खेलते, हम गाँव में पैदा हुए। हमने कहा हमें देश ने सम्मान दिया, हम गांव में पैदा हुए तो हम हिंदुस्तान के गांव को स्वर्ग बनाएंगे। थारे खाली रैनागिरी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गांव को स्वर्ग बना देंगे तो हिंदुस्तान दुनिया का नंबर वन कंट्री बन जाएगा। यही काम करेंगे। अभी अपने को यूं लगे भाई अपना गांव तो उजड़े उजड़े ऐसे ही रहेगा, फिर उजड़े उजड़े नहीं रहेगा, अपना गाँव भी खूब सुंदर बन जाएगा। हाँ सोना कुछ सोना की चिड़िया पूरे हिंदुस्तान ही बनेगा, चिंता ना करे बेटा। तो सब लोग बोलो इस काम में साथ दोगा कि नहीं? पक्का? तो भगवान राजी रहते, सब ने राम राम और बोलो भारत माता की जय। तो माने यू लगे कि सारा देश की जो दौलत है वो सब गांव में लगनी चाहिए, खेत के पानी के लिए, किसान की बिजली के लिए, इन बालकों की शिक्षा के लिए, बेरोजगार घूमे इनकी नौकरी के लिए। तो यो सारा काम हो जाएगा तो अपना हिंदुस्तान खूब बढ़िया देश बन जाएगा। तो यही काम करने वास्ते हम पूरा हिंदुस्तान में घूम रहे हैं कि भाई जागो, तुम पहचानो अपने देश में बहुत ताकत है। ये हिंदुस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, अब इसको बढ़िया बनाना है। तो आप सब भाई बहनों को बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद। आज लंबी यात्रा है, एक एक दो दो मिनट रुकना में मन पारा बच जाए राव जी। ठीक से तो खूब राज्य रखे भगवान आप सब ने। सुबह उठ करके योग करियो, दौड़ लगाइयो, पहले बालक दौड़ लगाया करता, कुश्ती करता, अभी करो अखाड़ो है कौन नहीं यो तो लग गया सर। ठीक तो कुश्ती किया करो, दौड़ लगाया करो, बहुत ज्यादा मोटे बहुत ज्यादा पतले आदमी ठीक नहीं, बीच का सहारा करो ना, बीच को ही बहुत ज्यादा तगड़ो ना। तो सब खूब सुखी रखे भगवान सबने, सब बड़े बुजुर्गों को, माँ बहन बेटियों को, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। यू क्यों ढाणी सी बना रखी से, तो ढाणी से है तो सबने राम राम। रास्ते में पड़ने वाले गाँव के लोगों को आशीर्वाद दे। स्वामी जी पहुंचे अलवर जिले के मुंडावर। यहां के मंच पर स्वामी जी का लोगों ने साफा एवं विशाल फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, सांझ हो चुकी है, बहुत सुहाना वातावरण है। इससे पहले प्रभात में, बहरोड में, फिर उसके बाद में कोटपुतली, और कोटपुतली के बाद में बानसूर। अरे भाई बानसूर में तो चाड़ा पाट गया। मैंने समय दिया था कि भाई रोड पर थोड़े से लोगों से मिलूंगा, लेकिन उसमें क्या जगह, वो बानसूर, बानसूर में कम से कम नहीं होगा तो 50-60 हजार आदमी ऊपर नीचे भरा पड़ा था। और मुंडावर में भी पूरे रोड पर लोग भरे पड़े थे, और यहाँ पंडाल में भी जगह छोटी पड़ गई तो ऊपर हनुमान जी चढ़े पड़े हैं।
जहां तक दृष्टि जाए दूर दूर तक मकान पे, ये तो अच्छा हुआ नीम का पेड़ पे ना चढ़ा। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना उत्साह, ज्ञात इतिहास में देश कभी भी इतना जागृत नहीं हुआ जितना वर्तमान समय में हुआ है। अब एक महाक्रांति हिंदुस्तान में होने वाली है। करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्राएं करके और 11,000 से ज्यादा बड़ी सभाएं करके 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसमें मिल करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, माना कि हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, वक्त बहुत नाजुक है, किसानों के बुरे हाल हैं, जवानों के बुरे हाल हैं, हमारा बचपन भी संकट है, पूरे देश पर संकट है। नरसिंह बाबा थारो रगड़ो केस है, गवर्नमेंट थम न रोज नोटिस भेजे और थम गवर्नमेंट के पीछे पड़ा भाई, हम के पीछे पड़ा, हम फकीर वो वजीर। अब इस फकीर और वजीर की लड़ाई में आपसे एक दो बातें कहता हूं भाई, हम फकीर और हिंदुस्तान, और हमने प्रामाणिकता से पिछले 20 वर्षों से देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के और दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का प्रचार करके देश का सम्मान और मान बढ़ाया। लेकिन इस फकीर और वजीर की लड़ाई में लड़ाई देश की है, लड़ाई बेईमानी और ईमानदारी की है। भारत स्वाभिमान यात्रा के दौलत देश को मिल जाए तो फिर हिंदुस्तान का किसान बदहाल नहीं होगा, खुशहाल हो जाएगा। आपको पता है पिछले दिनों जो कोयला घोटाला हुआ कितने को हुए थे याद है कुछ? बेरोई तो कौन बोले बाबा, हम तो भट्टा देखा मारा पहाड़ा याद है, हमने के बेरो कितनों कोयलो कठा से लूट लियो, 200 लाख करोड़ को दे दियो, कितना को 200 लाख करोड़ को कोयलो, करीब 10-1 बड़ी कंपनियों ने बेच दियो, और वही पैसा यदि किसानों के खेतों में पानी के लिए व्यवस्था के लिए हो जाता, हिंदुस्तान में इतना पानी बरसता है उसका ठीक से प्रबंध हो जाए तो राजस्थान से लेकर के हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश और करीब करीब आधे हिंदुस्तान में सूखा और धूल उड़े, लोग भूखे मरे, गत बदहाली। खाली 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है, हिंदुस्तान के इन खेतों में फिर धूल नहीं उड़ेगी, 12 महीने इनमें हरियाली रहेगी, और ये काम करना से और होगा ये काम। इसके लिए मैं सुबह से शाम तक हिंदुस्तान को जगा रहा हूं। तो बोलो भाई, इस बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई में, इस फकीर और वजीर की लड़ाई में, इस देश की लड़ाई में और देशद्रोहियों की लड़ाई में किसके साथ खड़े होगे? बाबा के साथ खड़ा होगा? जरा मैं देख लूं कितना हाथ मेरे साथ है, मैं ऊपर भी देख रहा हूं। सूर्य भाई बोले भारत माता की, वंदे वंदे, अरे मुट्ठी बांध के हनुमान जी वाली मुट्ठी बांधो, बोले बजरंग बली की, तो बचाणु है कि नहीं देश ने? बजरंग बली ने क्या बचाए? देश ही तो बचायो, वो लंका अधिपति रावण लूट रहे तो धर्म बचायो, संस्कृति बचाई। सुनो भाई, ये हिंदुस्तान की खुशहाली की लड़ाई है, ये देश का धन मिल गया ना, 400 लाख करोड़ इन बेईमानों ने लूटा है, तो हिंदुस्तान में किसान बदहाल नहीं होंगे। बच्चों के लिए इतने बढ़िया स्कूल होंगे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी होंगी, यूके यूएसए कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में किसी को पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, बाकी सारी दुनिया अपने हिंदुस्तान में आके पढ़ेगी, ऐसा हिंदुस्तान अपने को। फिर ये जवान बेरोजगार नहीं होंगे, इनके हाथों को काम मिलेगा और इससे देश का विकास होगा। जैसे चीन करीब 500 लाख करोड़ रुपए का उसका GDP है, सारे देश के लोगों के हाथों को काम दे रहा है, और हमारे यहाँ के जवान के हाथ में काम नहीं तो फिर बीड़ी है, फिर बोतल है भाई। ये जवान ने काम नहीं मिलेगा तो जवान ने तो ताकत हो डटे नहीं डटे, जवान बदहाल, किसान बदहाल, बचपन बेहाल, और जो दलित हैं, वाल्मीकि हैं, वनवासी आदिवासी हैं, और जो गरीब हैं, किसी भी, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो सवर्ण है, कोई भी बुरा हाल। अब ये खुशहाली की लड़ाई में अपने को साथ देना है तो भाई 3 तारीख ने दिल्ली में खड़ा शुरू हो जाएगा जून में, तो 3 तारीख में कितना साथ दोगा भाई? तो पूर्व मुडावर दिल्ली में आ जाएगा, पर ठीक, अब ये तो एक दिन को खड़ो है, बाकी उसके बाद आगे चलेगी लड़ाई। कब तक? जब तक यो सरकार हम नहीं
कह रहे हैं ना वो नहीं करेगी तब तक। यूं कहें बाबा तू क्यों सोचा, यू क्यों नहीं सोचे, वो पैदा हुए महलों में और बाबा पैदा हुए गांव में किसान के घर में, इसलिए किसान की खुशहाली के बारे में मैं सोचता हूँ। मैंने गांव की पीड़ा को देखा, उसको जिया है, गांव के बचपन को देखा, गांव के जवानों को देखा, बेचारे वही घूम रहे बावड़े, कुछ नहीं उनके आगे पीछे, अंधेरा अंधेरा है। और वो महलों में पैदा हुए करोड़ों अरबों खरबों की दौलत देश के अंदर बाहर उनकी है, क्या सोचेंगे वो, उनको जरूरत ही क्या है सोचने की। भाई ये लड़ाई कहां तक चलेगी, ये देश हम 121 करोड़ भारतीयों का है और हम मिलकर के इसको बचाएंगे, अब कोई नहीं बचेगा, और जो जो लूटा हुआ वापस भी लेंगे। तो सुनो ये तो बात है देश वाली। तो भाई ये जो इलाका है ना, ये दिल्ली के चारों तरफ वाला, यो ही काम आवेगा। पहले हमने अंग्रेजों को भगाया था, अब इन अंग्रेजों के मानस पुत्रों को ठिकाने लगाना है। और दिल्ली जाने में दिल्ली दूर तो नहीं है ना, मंडावर वाले तो हमारे साथ ही घना रहे, और भाई मंडावर के समिति के भी हमारे भाई बहुत मजबूती से काम करे। एक बार सभी कार्यकर्ता और दाताओं का अभिनंदन है जिन्होंने आज का इस सुंदर आयोजन किया, ऐतिहासिक आयोजन। मंडावर वासियों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत करा स्वामी जी, चल दिए तिजारा की ओर। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले हरसौली गांव के लोगों ने स्वामी जी के काफिले को रोक आशीर्वाद प्राप्त किया। अपना जीवन होना चाहिए, अपना करेक्टर, अपनी लाइफ होनी चाहिए नंबर वन, और देश भी हमारा महान बने, नंबर वन बने। तो देश में खुशहाली लाने के लिए किसानों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, जवानों के जीवन में, चाहे सवर्ण हो, दलित हो, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासियों के जीवन में खुशहाली होनी चाहिए कि बदहाली। और खुशहाली लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विकास। क्या करना पड़ेगा, किसानों के खेतों को पानी मिले, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिले, जवानों को रोजगार के अवसर मिले, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय मिले, तो आएगी हिंदुस्तान में। तो इस काम के लिए चाहिए बजट, पैसा। कोई भी विकास के लिए क्या चाहिए, और पैसा किन्ने लूट लिया है, बेईमानों ने, लुटेरों ने। तो बोलो यही सीधी सीधी बात है, ये जो 400 लाख करोड़ आएगा तो हिंदुस्तान में फिर कहीं कोई गरीबी, कोई बेरोजगार, चारों और खुशहाली होगी। क्या होगी, चारों और, तो बस यही तो लानी है ना अपने को। तो हमारे बुजुर्ग में भी जवान जैसा जोश है। तो भाई 3 तारीख को ये संघर्ष दोबारा शुरू हो रहा है दिल्ली से, तो दिल्ली में कितने पहुंचने वाले हरसौली वाले, एकदम पक्की बात है, ठीक है। और इसके बाद में कब तक लड़ना है, जब तक काला धन वापस, तो ये लंबी लड़ाई है। देखो पहली लड़ाई चली थी 1857 की, कितने साल लग गए थे, 90 साल, 100 साल लग गए थे करीब। जब पहले 100 साल लग गए तो अब 2-1 साल तो लग सके ना, तो 2-1 साल लड़ने के लिए तैयार हो, चलो फिर जिंदगी भर के लिए सुखी हो जाओगे। आप सब ने खूब भगवान राजी रखे, सबको भगवान सब खुशियां दे। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की, हरसौली वासियों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुँचे खैर थल, जहाँ हजारों लोगों ने स्वामी जी का बैंड बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। हर कोई बस स्वामी जी को छू लेना चाहता था, पुष्प वर्षा के साथ फूलों की विशाल माला पहनाकर लोग अपने सम्मान को प्रकट कर रहे थे, मानो काले धन के खिलाफ स्वामी जी की मुहिम को समर्थन देने पूरा शहर सड़क पे उतर आया। जाग उठा है देश ये सारा, युग बीते आजाद हुए हम, फिर भी मन से गुलाम थे, युग बीते आजाद हुए हम, फिर भी मन से गुलाम थे, देश की मर्यादा को भुला कर दबे हुए मर्यादा को भुला कर दबे हुए गुमनाम थे, वीर शहीदों के बलिदान को विस्मित कर अनजान थे, वीर शहीदों के बलिदान को विस्मित कर अनजान थे। आज मगर लौटी है चेतना, आज मगर लौटी है चेतना, जग उठने की बारी है, आज मगर लौटी जगा मारते
अब नवीन भारत में न कोई बालक भूखा सोएगा, अब अनपढ़ रह कर ना कोई अपने भाग्य को रोएगा, अब अनपढ़ रह कर ना कोई अपने भाग्य को रोएगा, छोड़ भोग को योग करेगा हर दुर्बलता। स्थानीय लोगों ने आईपीएल में लगे काले धन का भी पुतला फूंका। हजारों लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, देश को बचाएंगे, काला धन जब तक नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा, तब तक हम संघर्ष करेंगे। ये देश केवल केंद्र सरकार का नहीं है, ये देश केवल केंद्र सरकार का नहीं है, ये देश केवल एक पार्टी का गुलाम नहीं है, और ये देश किसी एक कुल खानदान की भी बपोती नहीं है। हम 121 करोड़ भारतीयों का देश है, और हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी के जब हिंदुस्तान का हक मिलेगा तो हिंदुस्तान में कोई भी गरीब, ये इतना बड़ा काम है तो भाई बहनों ये छोटा काम नहीं है, आगे भी मुझे प्रस्थान करना है। ये काला धन आईपीएल में भी लगा है, ये काला धन कहाँ लगा है, और ये काला धन लगा राजनीति में कहाँ लगा है, और जो लगा आतंकवाद और नक्सलवाद में कहाँ लगा है। आतंकवाद और नक्सलवादियों ने और उन भ्रष्ट बेईमान गद्दारों ने कितना लूटा है अब तक करीब, तो अब सबको, अब 3 तारीख को कितनों को आना है दिल्ली में, 3 तारीख को दिल्ली में आने वाले हाथ उठाइए। तो काला धन जो लाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, वो रजिस्टर्ड आंदोलनकारी बन जाना, ठीक है। वो नंबर क्या है, 02-22-23-08-11-22, इसके ऊपर एक बार मिस कॉल कर लेना यार। खैर तल की तरह रात के घनघोर अंधेरे में किशनगढ़ बांस के हजारों लोग स्वामी जी के दर्शन को आतुर हो रहे थे। लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ तलवार भेंट कर अपने आदर को प्रकट किया। हजारों लोगों के उत्साह को देख स्वामी जी भी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और लोगों को भारत स्वाभिमान की आगे की रणनीति के बारे में बताने लगे। कितना दिन घूमा है, 365 दिन, कितने दिन, तो पापा का बड़ा भूखा मनुष्य। सुनो, पापा को योगी को मतलब है 121 करोड़ उसके अपने भाई बहन। तो जैसे एक परिवार का बड़ा आदमी अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, तो एक योगी सन्यासी 121 करोड़ लोगों की खुशहाली के, उनकी भलाई के लिए सोचता है, सबको साथ देना, ठीक है। अब एक काम तो ये करना, स्वदेश का व्रत लेके जाना, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए। जब तुम कोका कोला पेप्सी थम्सअप पीते हो और छोड़ दिए कोलगेट पेप्सोडेंट, कोलगेट पेप्सोडेंट, लक्स ड्राई बॉय, कोई भी विदेशी वस्तु प्रयोग करते तो देश का पैसा कहा जाता है और उससे अपना देश कमजोर पड़ता है। देखो, अब अपने को चारों तरफ से हिंदुस्तान को बचाना है। तो अब बात यह है कि ये पहली आजादी की लड़ाई शुरू कब हुई थी, 10 मई 1800 और कितने साल चली थी, करीब 100 साल, कितने साल, 90 साल।
हदीस शरीफ करीम से सबसे पहले तैयारी में थोड़ी हुई थोड़ी होगी। पहली आजादी की लड़ाई चली करीब, अब वाली लड़ाई चलेगी कम से कम 2 साल। कितने साल? तो 2 साल लड़ने के लिए तैयार हो? तो मैं आपको ये विश्वास दिला के जाता हूँ, ध्यान से सुन लो, आप लोग भी लड़ने को तैयार हो तो किशनगढ़ वाले मारे तो नाम ही बचपन को रामकिशन थे। सुनो सुनो, इसलिए अब 2 साल तक ये लड़ाई लड़नी है और अपने आंखों के सामने हम देखेंगे, ये काला धन भी आएगा, ये भ्रष्टाचार भी मिटेगा और भारत अमेरिका और चीन से भी ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में 2020 तक खड़ा होगा। बस आप लोग लगे रहना, अब इसको ये कैसे कैसे क्या क्या होना है, इसके लिए क्या क्या एक्शन प्लान होंगे, तो एक वैसे तो आपको मीडिया से सबसे पता लगता रहेगा, एक नंबर भी है लिख लो, 022-23-08-11-22 मिस कॉल नंबर दे दो, बाकी इसमें मैसेज आना शुरू हो जाएंगे आज से। फिर आपको उसी एक्शन में, अरे सुनो, 0 सब अपना अपना मोबाइल में नोट कर लो, फिर रजिस्टर्ड तुम जो है इस भ्रष्टाचार के जो है वो विद्रोही सिपाही हो जाओगे। 022-23-08-11-11 दो बार लिख लियो और 22-22 हो गए पूरे। अब हरा बटन दबा दो, हरा बटन दबाने के बाद में एक बार घंटी जाए के बाद में टूटू होगी, ठीक है, फिर वापस मैसेज आ गयो। तो अब सुनो, 022-23-08-11-22 इतना तो सर काम से। तो सुनो शुरू होगा और जून जुलाई अगस्त तक आर पार की लड़ाई शुरू होगी, या तो सरकार करेगी या गिरेगी, जो भी होगा देश के भले ही होगा, बस लगे रहना। किशनगढ़ वास के लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे तिजारा, जहां हजारों लोगों ने भारत माता की जय घोष के साथ पुष्प वर्षा कर स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया। अगली सुबह तिजारा अलवर में आयोजित निशुल्क योग विज्ञान शिविर में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने लोगों को योग की दीक्षा दी। इस अवसर पर शिया धर्मगुरु सैयद कल्वे रुशैद रिजवी, तस्लीम अहमद रहमानी, जैन मुनि सिद्धसेन सागर जी महाराज और जैन मुनि सौरभ सागर जी महाराज भी मौजूद थे, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान को अपना समर्थन देते हुए कहा। मुझे लगता है कि बाबा रामदेव हमारे अल्फाजों से बहुत आगे जा चुके हैं, चूंकि लोग बोलते हैं और रामदेव काम करते हैं। सुबह 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक इंसानियत की खिदमत। मैं आपको बस 2-3 बातें कहने आया हूं। ये सुबह के वक्त जब देश के सारे नेता सोए रहते हैं, जब देश के वो सारे लोग जो देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं सोए रहते हैं, तब रामदेव उठ के आपको जगाने की कोशिश करते हैं। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। और पता है, अगर आज हम और आप नहीं जागेंगे तो आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा तो हमारे बच्चे जरूर पूछेंगे कि हमारे पूर्वज देश को लूटने वाले में थे या देश पे जान देने वालों में से थे। इसलिए यह इनकलाब
ये भारत स्वाभिमान, ये सभाएं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, आपको ये बताने के लिए हैं कि जिस देश और धरती ने हमें सब कुछ दिया है उसे अब देने का समय आ गया है। एक बात कहता हूं, वो सरहद महफूज रहती है जिसकी हिफाजत मर्द किया करते हैं, वो माएं खुशनसीब होती हैं जिनकी गोदी में मर्द पला करता है। और हम भी खुशनसीब हैं कि हमारे दरमियान ऐसे सीखने वाले मर्द और औरतें बैठी हैं और ऐसा सिखाने वाला मर्द बैठा है। क्यों? कि जब देश में मर्द अपनी मर्दानगी पे आ जाए और औरत अपनी पाकीजगी पे आ जाए तो मुझे यकीन है ना अंदर कोई लूट पाएगा ना बाहर कोई लूट पाएगा, ना यहाँ कोई लुटेरा होगा ना वहाँ कोई लुटेरा होगा। और मैं इस टीवी के माध्यम से सारी दुनिया को ये बता देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जिंदगी के नाम पर जितना जीने वाले नहीं हैं उतना भारत में भारत के नाम पर मरने वाले लोग मौजूद हैं। योगी वो होता है जो केवल अपने जिस्म की शक्तियों के जरिए अपनी हड्डियों को मोड़ने की ताकत नहीं रखता। योगी वो होता है जो अपने तप और अपने तपस्या के जरिए रूहों को मोड़ने की ताकत रखता है, आत्मा को मोड़ने की ताकत रखता है। इस देश में मसाइल सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, इस देश के दलितों के साथ हैं, इस देश के मजदूरों के साथ हैं, इस देश के किसानों के साथ हैं, इस देश के आम आदमी के साथ हैं, इस देश के 90% लोगों के साथ मसाइल मौजूद है। सिर्फ 10% लोग हैं जो किसी सूरत सुखी है। हम उन मसाइल के लिए लड़ते रहे हैं, हम लड़ रहे हैं और उन मसाइल के लिए हम हमेशा लड़े रहेंगे। लेकिन यह मसला दूसरे नंबर का है कि मुसलमानों का उत्पीड़न क्या हो रहा है, दलितों का क्या हो रहा है, किसानों का क्या हो रहा है। उससे बड़ा उत्पीड़न यह है कि पूरे देश के साथ क्या हो रहा है। यह लड़ाई हम बाद में लड़ सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, पहली लड़ाई यह है कि देश के साथ क्या हो रहा है। और वो लड़ाई लड़ने के लिए अब अगर हम नहीं जागे तो हमारे पास समय फिर दूसरा आएगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश को पहचान, अपने नेताओं को पहचानना अब आप सीख लीजिए कि आपके नेता कौन है। हमारी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम नेता उन्हें समझते हैं कि जो 20-25 लाल बत्ती की गाड़ियों में हमारे सामने धूल उड़ाता हुआ, काले शीशे चढ़ाता हुआ आता है, हम समझते हैं कि नेता आ गया। नेता आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखता, आप जय जयकार करते हुए उस नेता को नेता समझ लेते हैं। नेता आप समझते हैं उन सेलिब्रिटीज को जो टेलीविजन और फिल्म के सिनेमा के पर्दे पे खड़े होकर ठुमके लगाते हैं। नेता आप उनको समझते हैं जो IPL में हजारों करोड़ के घपले करते हैं, उनको नेता आप समझते हैं। ये नेता नहीं है। बेफैज के एक शेर के जरिए आपको नेता की एक पहचान बताना चाहता हूं। वो जिनके होंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वो जिनके होंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। चुनिए उन लोगों को, जानिए उन लोगों को कि कौन है। नदी की शोभा रेत से नहीं पानी से होती है, पेड़ की शोभा पत्तों से नहीं फूल और पलों से होती है, मनुष्य जन की शोभा विषय और भोग वासना से नहीं तप और संयम त्याग से मान बनते। ऐसे हमारे रामदेव बाबा ने तप किया, त्याग किया और कर करके अपने साधना को पहले बढ़ाया और बढ़ करके आगे बढ़े। रामदेव बाबा जी आज लगे हैं तो इस अभियान के लगे जो भाई इंडिया के अंदर चोर लोग बैठे उस चोर को पकड़ करके सामने खड़े करने के लगे हुए। चोर को पकड़ना ये तो सैनिक है, आप जन जनता है, जनता पकड़ेगा। मैं रामदेव बाबा जी को आज एक ऐसे एक सबसे पहले सुना देता हूँ, आप इंडिया को अपने एक देश को आजाद दिलाना है जैसे महात्मा गांधी जी ने दिलाए, महावीर ने दिलाए, राम ने दिलाया, राम ने दिलाए, ऐसे हमको दिलाना है। बाबा जी मैं आपको कहना चाहूंगा आप देश को बचा लीजिए, हमारा देश कहां जा रहा है, कहां जा रहा है हमारा देश। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े मंत्रियों के पास काला धन पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ धन पड़ा है। इस धन का उपयोग कहां जाना चाहिए, इसका धन जिस व्यक्ति के पास उपयोग होना चाहिए। आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में और हमारे राष्ट्र में सबसे कमियां हैं। कहीं इस कॉलेज नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा और बाबा जी को मंगल आशीर्वाद मेरा
और भव्य आत्मा हो, आपका भी मंगल आशीर्वाद, तन मन और धन समर के बाबा के पीछे सपोर्ट देना और प्रयास करना बाबा जी हमेशा ऊंचा पे चला जाए और उनके भाव कितने निर्मल हैं। भव्य आत्मा हो, बाबा जी ने इनकलाब जिंदाबाद के लड़ना है और हम लोगों को सबको संतों को सबको मिला के एक काम करना है। सब लोग तैयार है ना? हाँ या ना, हाथ ऊंचा कर लीजिए। कितने लोग तैयार है? क्या बात है, आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। विश्व में शांति हो, मंगल शांति हो, आपको शांति हो, यही कामना के साथ भारत माता की जय।